हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 2023 की बॉलीवुड में हिंदी नेट में चार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे। एक मिनट, क्यों बात करेंगे? तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या? जोक था, जोक। तो चौथे नंबर पे है द केरला स्टोरी। यह मूवी 5 मई को इस साल थिएटर में रिलीज हुई थी और जिसने थिएटर में आते ही पूरे बॉलीवुड में तहलका समाचा दिया था, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो 20 करोड़ के आसपास था। फिर भी इस मूवी ने 242 करोड़ का खतरनाक कलेक्शन करके बॉलीवुड को हिला डाला। तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, जाके देखो यार। नेक्स्ट फिल्म जो नंबर 3 पे है वो है पठान, जिस मूवी से शाहरुख खान ने 4 साल बाद बॉक्स ऑफिस पे कमबैक किया और साथ ही बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड्स की आंधी ले आए, और उसी के साथ पठान बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ कमाने वाली पहली मूवी बनी। इसी के साथ पठान ने 524 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया। तो अगर ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है गदर 2। ये गदर मूवी का पार्ट 2 है जो 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुआ है और जिसने थिएटर में गदर मचाते हुए बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई की है और पठान को 1 करोड़ से बीट करके टोटल 525 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन हासिल की है। एंड जो मूवी नंबर 1 पे है उसने बॉलीवुड में तबाही तहलका आंधी मचा दी है और जिसने केवल 18 दिनों में 500 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया था। जी हाँ, मैं शाहरुख खान की इस साल रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म जवान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि लास्ट मंथ 7 सितंबर को थिएटर पर रिलीज हुई थी और मात्र 1 महीने में इसने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स को हिला डाला है। तो ये थे 2023 की अब तक की बेस्ट फिल्में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।